बेटियों पे माएं बास चीजों में तो ठीक है, बेटियां ज्यादा नाफरमान होती हैं, अक्सर मैंने देखा है माँ बाप की इताअत नहीं कर रही होती हैं, लेकिन बास चीजों में बेटियों पे जोर लगाना ये जायज नहीं। गिलगित बल्तिस्तान वगैरह में ऐसे केसेस बहुत सामने आ रहे हैं, जबरदस्ती लड़की का निकाह किया जाता है हालांकि वो राजी नहीं होती, जबरदस्ती किया जाता है। ये कहां से जायज हो गया भाई? माँ बाप को इतना इख्तियार तो अल्लाह ने नहीं दिया कि गन पॉइंट पे बेटी की शादी करा दो, ये तो इख्तियार अल्लाह ने नहीं दिया। हम ये नहीं कह रहे कि बेटियां अपनी मर्जी से घरों से भाग भाग के शादी करें, ये भी गलत है, लेकिन इतना कि आपने ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान, सब गिलगित वाले, वो भी सबकी बात नहीं कर रहा, कोई खास इलाके होंगे, गिलगित के भी लोग सुनते हैं, वो कहते हैं हमारे गाँव में तो नहीं हो रहा। भाई सारा तुम्हारा ही गाँव पूरा गिलगित थोड़ी है, ठीक है ना। ऐसे केसेस आ रहे हैं 18-18 साल की लड़कियों को जबरदस्ती किसी बुढ़े के हवाले कर दिया पैसे की लालच में, तो मेरे भाई ये जुल्म है, ये हराम है, कल कयामत के दिन इसका जवाब, वो कहते हैं हमने बेटी के मफाद में किया है, बेटी के मफाद हो या नहीं हो, जबरदस्ती जितना भी अच्छा रिश्ता हो आप उसकी गन पॉइंट पे शादी नहीं कर सकते। गन पॉइंट का मतलब ये नहीं कि बंदूक लेके चढ़ा हुआ होता है, वो जिस तरह से उस पर दबाव डाला जाता है वो भी गन पॉइंट ही है। तो हर चीज की एक